रश चेक करो भाई यहाँ पे, रश ही रश लगा हुआ बाजी। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे हो सारे, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग जाएंगे शेरशाह की मोबाइल मार्केट, जिस जगह मैंने कल उसकी पोस्ट देखी है कि एफ बी पे कि भाई वहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते मोबाइल आए हैं और पता नहीं क्या सीन है, कोई बोल रहा है फेक है, कोई बोल रहा है सही है। तो जब तक बंदा खुद अपनी आंखों से ना देखे तो यकीन ना करे। और अवैध भाई को भी मोबाइल चाहिए था, चाहिए, अभी कंफर्म नहीं है लेने के लिए। हम लोग जा तो रहे शेरशाह मार्केट, अगर समझ आता है तो ले लेंगे, मैंने भी अपने लिए वहाँ पर कुछ मोबाइल देखने, समझ आए तो ले लेंगे। तो लेट्स ही चलते हैं। तो भाई अवैध भाई लोग आ गए हैं और अब हम उनके पास चलते हैं और फिर चलते हैं मोबाइल लेने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तबीयत वबीयत ठीक है? और वाजिद भाई कैसे हैं आप? मज़े में। चलिए भाई, अवैध भाई कहाँ जाना है अभी? भाई आज हम जा रहे हैं शेरशाह, हाँ, नल गोदाम। हाँ, और हमारा रीज़न ये जाने का, हमें चाहिए मोबाइल्स। सही है, तो क्वालिटी जो है थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाए। सही, इसलिए पिछली बार भी हम लोगों ने ओएलएक्स से जो है डील की थी लेकिन वो हो नहीं पाई किसी वजूहत की वजह से। अच्छा, काफ़ी सारे रीजंस थे उसके पीछे। तो आज चलते हैं शेरशाह जनरल गोदाम, बहुत सारी वीडियोस देखी हमने यूट्यूब पर उसकी, तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें सही मोबाइल मिलता भी है या नहीं। सही, चलो वाजिद भाई लोकेशन डाल ली। हाँ, लोकेशन डाल दीजिए। जनरल गोदाम बहुत फारी के बाद पहुंच गया, अंदर चलते हैं। अवैध भाई ने बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ के निकाली थी, इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ ना कम है हमारा। चलो भाई अंदर चलते हैं और देखते हैं, जितना सुना था वैसा ही है। रश चेक करो भाई यहाँ पे, खलील भाई जो है अंदर से आते हैं। अरे भाई बहुत ज़्यादा रश है इन शॉप पे, ये वाली शॉप पे तो कुछ ज़्यादा ही है ना। भाई डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, हर तरीके की, मोबाइल, एयरपोर्ट्स, बाइक्स, लैपटॉप, सब कुछ है। ये देखो ये नई शॉप है, भाई देख लो शॉप पे मोबाइल, और इधर इतना ज़्यादा नहीं है, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग कुछ भी नहीं पड़े हुए हैं। एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ये खाली आई थी, तो मैंने भी पूछा तो इन्होंने 14 का मना कर दिया है। अब हम दूसरी जगह पे चलते हैं जहाँ पर अभी भाई लोग हैं, और जगह यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है। कि यहाँ पे जो चीज़ दिखाई गई है वो चीज़ मिल नहीं रही, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे रेट कुछ और बता रहे हैं, वीडियो के अंदर कुछ और बता रहे थे। यहाँ पे आए बिल्कुल टाइम ज़ाया हो गया, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं बताया, अभी बता रहे हो कि टाइम ज़्यादा, पहले ही बता देते पहले आप नहीं देते। अरे यार तुम 40 रुपये ले लेते उस टाइम पे हमसे, यहाँ पे लाले पड़ गए भाई, वापस चलो यार। ये रहा भाई, अच्छा ऑल ओके, ये तो सही, वही सेट है जो हमने वहाँ से पूछा था। ठीक है ठीक है यार, तुमने कहा था फुल चार्ज करके रखूँगा, चार्ज नहीं। अबे मेरे घर पे लाइट कहाँ है, मेरा खुद मोबाइल चार्ज नहीं है, देखो स्क्रीन पे फिंगर पे। हाँ स्क्रीन मेरा वाला दिखाओ यार। अभी एक बंदा आया, 33,000 रुपये में डन कर दिया, 31,000 रुपये हाथ में रखा रहा रीसेट करवाने का।
मैंने कहा अपने पैसे पकड़ो भाई, आपको देना ही नहीं, बोला अच्छा रख लो। नहीं नहीं मैंने कहा आपको देना ही नहीं, ऐसी सीधी बात है, मैंने कहा आपको देना ही नहीं है, जब आपने मिस कमिटमेंट कर दी ना छोड़ो। सही, ये लाइन का पन्नी का पर है। हाँ, ये पहले नहीं थी, पन्नी चढ़वाई है ना मैंने, पहले मैं चेक करके जा चुका हूँ भाई। बस ठीक है यार, शादी मैकेनिक ही होगा। नहीं मैकेनिक तो बहुत दूर का है, अगर नई निकोल बाइक थी उसका हैंडल का लॉक तोड़ के कोई ले गया डायरेक्ट करके। फेज भाई ले लिया मोबाइल, और देखा तुमने मोबाइल कैसा। हाँ, वो मतलब वाला भाई, वाला बंदा चूना लगा रहा था हमें। और प्राइस तुमने देख लिए कैसे थे यहाँ पे। हाँ। ठीक है, और वहाँ के प्राइस, वो स्क्रीन फ्रेश नहीं थी, ठीक है, इसकी एलसीडी फ्रेश है, उसमें एक स्पॉट था ब्लैक कलर का बहुत बड़ा, ये फ्रेश है एलसीडी। और सैमसंग के अंदर ना पैनल के रेट होते हैं, ठीक है, अंदर एलईडी पैनल लगे हुए ना, सारी कीमत उसी की होती है, बिल्कुल आधी से ज्यादा कीमत जो है बेकार है, ना जाओ, वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। ठीक है, और चीज़ भी वो नहीं है जो चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है, चीज़ बिल्कुल भी वो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि रेट जो है ना बिल्कुल आउट है, हमें दिखाया कुछ जाता है और वहाँ पे जाके जब हम लोग पूछ रहे हैं तो वो कुछ और ही थी, कुछ और ही रेट वहाँ पे बोले जा रहे थे। अच्छा, अभी वहाँ पे मैंने एक बंदा 14 लेने के लिए आया था, मैंने 14 देखा तो उसने, उसको 30,000 रुपये का उसने उससे लिया 14 प्रो मैक्स। अब उसके बाद जब वो वापस उसको कराने के लिए आया तो वो उसको बोल रहा है कि भाई 15,000 रुपये दूंगा, वो चचा राजी हो गए भाई, प्रैंक हो गया। यहाँ पे 3 बाइकें खड़ी हुई थी, अभी 2 बची हैं। वाजिद कहाँ गई, शार्ट हो गई, शार्ट यार ले गया कोई कमीना इंसान। अभी इसके भाई की इसके पास कॉल आई, क्या बोल रहे, भाई कह रहा बाइक तेरे पास है। हाँ। कहा नहीं बाइक तो मेरे पास नहीं है, कह रहा भाई बाइक की चाबियां घर में है और बाइक गायब है बाहर से। वाजिद किस पे शक जा रहा है, ये है कराची, याद कर किस पे शक जा रहा है, कराची, ये है कराची, ये हालात, बता शक किस पे जा रहा है, नबील को बुलाओ, बिलियों को रिपोर्ट करने, कागजात वगैरह लेके हमारा जाना पड़ेगा, और यूज हो गई तो। चले भाई, चलो चल भाई, वाजिद सही है, वाजिद आपका बहुत शुक्रिया यार, आप आए तो ठीक है। वेद भाई ठीक है, सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक ब्रेक के बाद, जिंदगी रही तो। हाँ तो भाई आ गए अभी मार्केट से हम लोग, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही है रोडों पे भी यार, शहर से आपको पता है इतनी ज़्यादा धूल मट्टी, इतनी ज़्यादा। और अभी वहाँ पे हम लोग जैसे तैसे करके पहुँचे और उधर पता चला कि भाई इधर तो बुरा हाल हुआ है, वहाँ पे हाल ये चल रहा है कि वो FB पे कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब फेसबुक पे कुछ और दिखा रहे हैं और रियलिटी कुछ और है। अब वहाँ पे सैमसंग का हमने मोबाइल पता करा, Note 10 का, उन्होंने उसके प्राइस बताया 60,000 रुपये, जिस पे एक स्क्रीन पे स्पॉट भी था। हम लोग असल में लेने गए थे Note 10 ही, तो जब हम लोगों ने OLX पे बात की थी, उससे बेटर ये कहूँगा कि OLX से लो, सेलिंग परचेजिंग जो भी है सबसे बेस्ट OLX है उस शीर्षक के हिसाब से भाई। अब वहाँ पे हम जब गए तो हमारी बात हुई उससे, 60,000 रुपये वो बोला, और हम लोगों ने मलीर से जहाँ से भी OLX पे बात करके हमने मोबाइल लिया था वहाँ पे, वो उससे हमें बहुत अच्छे रेट में मिल गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा और फ्रेश बिल्कुल, मतलब बस पीछे से उसका ग्लास क्रैक था, वो भी PTA नॉन अप्रूफ था, ये भी PTA नॉन अप्रूफ है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इस मोबाइल पर कोई स्पॉट नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था उस मोबाइल के मुकाबले, तो भाई समझ लो टाइम ज़ाया हो गया, बहुत बुरा हाल हुआ वहाँ। और उसके अलावा iPhone 14 Pro Max जो मेरे हिसाब से इसकी पाकिस्तान में कीमत है 3 लाख से ऊपर पर, अब उन्होंने बोला कि वो 35,000 रुपये का, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि यार वो 35,000 रुपये का कैसे, क्या कुछ भी समझ नहीं आया। अब जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ जाके पता लगा कि 35,000 रुपये का उसने एक बंदे को दिया, और उसने ये बोल के दिया कि PTA अप्रूव है, ठीक है PTA। वो बंदा खुद ही मेरे सामने आ गया, लेकिन मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम पर खुद वो मोबाइल चेक कर रहा था, तो उसने 32 ऐसी कुछ में उससे लिया था, 35 उसने उसको बोले थे, और उसने बोला PTA अप्रूव है, वो वापस करवाना है कि PTA नॉन अप्रूव है भाई ये मोबाइल, तो उसने बोला कि ठीक है मैं अप्रूव करके दे देता हूँ जो भी उसने बोला। उसके बाद उसने कहा कि दुकानदार ने बोला कि मैं अप्रूव करके देता हूँ, उस बंदे ने बोला नहीं मुझे अप्रूव करके नहीं चाहिए, तो उसने उस पर पर्ची पर रकम लिखी हुई थी 32,000, उसने बोला कि मैं आपको 32 नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा 16,000, और मेरी समझ से बाहर है वो बंदा राजी कैसे हो गया। और उसने पहली बारी में बोला हाँ ठीक है मुझे आप 16,000 रुपये दे दो, तो भाई बहुत बुरा हाल है वहाँ का मेरे हिसाब से, तो ना ही जाओ तो बेहतर है, मतलब फेसबुक पे कुछ और सिर्फ बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए लोग कर रहे हैं कि बंदा आए, रश बहुत ज़्यादा था, आज भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन किस काम का यार, जब आप 2 नंबर चीज़ बेच रहे हो, आप दिखा रहे हो कुछ और आप बेच रहे हो कुछ और, तो भाई मैं तो लेने के लिए नहीं गया था, जो बंदा लेने के लिए गया था उसके लिए ख्वारी हो गई, लेकिन खैर हम लोगों ने अच्छी बात ही OLX पे एक बंदे से बात करके हमने बात बुक करी भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल मिल गया और उससे अच्छा ही मिला। हाँ तो भाई इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, ब्लॉग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हाँ तो भाई
कोशिश करा करो कि सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।